देखिए आप, उनने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे अपलोड किया है क्या, जिसमें बिल गेट्स एक चाय वाले के पास गए हैं और वो पिक्चर बहुत वायरल हो रही है। के पास, हाँ चाय जी। वाला, हाँ वो जाहिर सी बात है, वो असल में इन्फ्लुएंसर बन गया ना, वो उनको लोगों ने मशहूर किया है जो इंडिया के, या ही ऐसे अमीर तरीन लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट पे है इस टाइम। जाहिर सी बात है, आपको पता है उनके तो मून लैंडिंग भी उनके पास चली गई अब तो, और ऊपर से वैसे भी उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और काफ़ी कुछ है वहाँ पर, और मार्ग ऊपर तो वैसे ही परेशान फिर है क्योंकि उनकी तो फेसबुक की वजह से आपको पता है जो चल रही है, उन पर केस हो रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैसी लहर है, और उस दहशतगर्दी की ही वजह की से जो बाहर की दुनिया है वो नहीं आ रही, वो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही, उनको यहाँ से ये ख़तरा है कि एक दूसरी बात है। अब इंडिया में आप देखें कि कलकत्ता उनका आईटी हब हो गया पूरी दुनिया में, उनके जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके आईटी के जो रिलेटेड जितने भी आपके वो सेक्टर्स हैं उनमें उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में है। इवन के मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि आईसीसी का जो हेड है वो इंडियन है, और पाकिस्तानी क्यों नहीं है। और दूसरी बात है पाकिस्तान में पहले हैं अनाउंस गगनयान, गगनयान तो वो तो बहुत आगे हैं जी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखा जाए तो पाकिस्तानी के लिए ना यूई के वीज़े भी बंद हो गए हैं, तो मैं देख रहा था कि इंडिया के जो वीज़े हैं ना वो लग रहे हैं, दुबई के वीज़े लग रहे हैं, और पाकिस्तानी वीज़े भी बैन हो गए हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी को अलाउ नहीं, जाने नहीं दिया जा रहा, दाखिला बंद कर दिया गया है, तो इंडिया जो है वहाँ पर मतलब कि हर कंट्री में इंडिया के लोग जो हैं वो जा रहे हैं। पर एक चीज़ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया कितना ही पीसफुल कंट्री है कि बिल गेट्स गए वहाँ चाय पी एक ढाबे पे और आ भी गए, नथिंग, कोई क्राउड नहीं, कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। मे बी पाकिस्तान में ये है कि लाइक एक चीज़ की ना बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है, लाइक हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर इंडिया में कोई इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है, और वो इस तरह से हाइप क्रिएट नहीं करते जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। और अगर इधर हाइप क्रिएट हो जाती है तो लोग ये समझते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। लाइक देखें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी पर बहुत वर्क किया है और उन्होंने अपना गवर्नेंस सिस्टम काफ़ी देर से ठीक किया हुआ है, उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी है। भी बाहर के लोग आ सकते हैं, बिल गेट्स छोड़ के मार्क जुकरबर्ग भी आ सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, असल में टैलेंट हंट नहीं हो रहा। हमने एक रिसेंटली मूवी देखी है, वो जो 12th फेल, हाँ जी, ASI की, वो देखा होगा कितनी स्ट्रगल करती है उसने, करी है उसने, और अपने वो लोगों के लिए की है, अपने गांव के लोगों के लिए की है। यहाँ से लोग पाकिस्तान में इस पे कि इंडिया आखिर कितना पीसफुल कंट्री है कि एक बिल गेट्स गया एक चाय वाले के पास, उन्होंने चाय पी और किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई, कोई क्राउड नहीं, कोई वहाँ पर तमाशा नहीं लगा, इस बारे में कि कितना ही पीसफुल कंट्री, प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया ही क्यों सबसे आगे है। मे बी एक तो जो बात है सिक्योरिटी इशू, वो हो सकता है, ठीक है, देन जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया की, और जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मे बी पाकिस्तान उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा, तो डेट मे बी द सेकंड रीज़न। तो इस वजह से बिल गेट जो है वहाँ पर गए, वहाँ पर यही कंट्रीज, मतलब इंडिया ही क्यों सबकी प्रायोरिटी। पिछले देख रहे हैं जब से ये आज़ाद हुए हैं 1947 से बाद अभी तक देख रहे हैं कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की करेंसी इनसे ऊपर थी टाइम। असल में हमारे और इंडिया में फ़र्क ये है कि एक तो वो काफ़ी हद तक IT में उन्होंने बहुत बूस्ट लिया है, उस रफ्तार से हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो इतना बूस्ट नहीं ले सकी। हेलो, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन शो, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा, और आज बात करने वाले हैं हम बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, और मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के CEO हैं, इनके इंडियन विजिट पे, जो इनका इंडियन विजिट इतना वायरल हो गया है, लोग इनकी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ बिल गेट्स की एक पिक्चर जो कि एक चाय वाले के साथ है वो इतनी वायरल हो गई है, मुख्तलिफ तरह के इंटरव्यूज़ उस चाय वाले से कंडक्ट किए जा रहे हैं, हम इस चीज़ पर बात करेंगे, और साथ ही साथ बिल गेट्स ने हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग के किरदार को की बहुत तारीफ़ की है कि वो एक लो प्राइस पर बहुत ही आला मयार की मेडिसिन और वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। बिल गेट्स का कहना है कि आई एम लुकिंग एट इंडिया इन अ फार ब्रॉडर वे। हम बात करेंगे मुख्तलिफ पाकिस्तानियों से, उनकी इस बारे में क्या राय है और आपके साथ शेयर करेंगे, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अमीर हमजा। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की, जिन्होंने इंडिया विजिट किया है, तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग, अमीर तरीन लोग, इंडिया ही क्यों विजिट कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इंडिया ही क्यों सबसे आगे है। मे बी एक तो जो बात है सिक्योरिटी इशू, वो हो सकता है, ठीक है,
देन जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया की और जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, मे बी पाकिस्तान उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा, तो डेट मे बी द सेकेंड रीज़न। सर, बिल गेट्स की एक पिक्चर है जो कि एक चाय वाले के साथ बहुत वायरल हो रही है, आपने शायद देखी हो, एक चाय वाले के साथ, चाय वाले के पास वो गए, उन्होंने वहाँ पर चाय पी है, वो पिक्चर बहुत वायरल हो गई है। तो सर, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया कितना ही पीसफुल कंट्री है कि बिल गेट्स गए वहाँ चाय पी एक ढाबे पे और आप भी गए, नथिंग, कोई क्राउड नहीं, कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। मे बी पाकिस्तान में ये है कि लाइक एक चीज़ की ना बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं हम, ठीक है, लाइक हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अगर इंडिया में कोई इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है और वो इस तरह से हाइप क्रिएट नहीं करते जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। और अगर इधर हाइप क्रिएट हो जाती है तो लोग ये समझते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर लाइक रोड पे भी अगर कुछ हो गया ना तो 100 लोग आके रुक जाएंगे कि यार इधर क्या हो गया, बट दूसरे ममालिक में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द पॉइंट। तो आपको क्यों लगता है बिल गेट्स ने कहा है कि इंडिया वो कंट्री है जो लो प्राइजेस पे हाई लेवल वैक्सीन बनाता है, बहुत आला मैार की वैक्सीन और मेडिसिन तैयार करता है, क्यों नहीं ऐसा कुछ पाकिस्तान में? आई थिंक ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, वो किस तरह बजट को लेके चल रहे हैं। अगर वो अपना बजट ही नहीं मैनेज कर पा रहे तो वो इस चीज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सही, बिल गेट्स ने कहा है कि वो वहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे। आपको नहीं लगता पाकिस्तान में यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए कि यहाँ भी ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करें, तभी तो हम डिवेलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे? आई थिंक यही है ना कि जब तक, अब जैसे वो IMF को लोन की बात अगर हम कर लेते हैं, जब तक ये वो लोन ही नहीं पूरे कर पाएंगे तो किस तरह कोई बंदा आके दोबारा इन्वेस्ट इन पे करेगा? सही। तो ये पॉइंट। वो एक शादी विजिट करने गए हैं लेकिन उन्होंने और भी बहुत से काम किया है, उन्होंने एक बिल गेट्स की पिक्चर वहाँ पर वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने एक चाय वाले के साथ बैठ के चाय पी है, बैठ के नहीं उसके दुकान से चाय पी है। तो सर, हम बात करें कि इंडिया कितना पीसफुल कंट्री है कि वहाँ पर बिल गेट्स जैसे इंसान गए, उन्होंने चाय पी और कोई क्राउड नहीं, कोई सीन नहीं क्रिएट हुआ, क्या लगता है आपको इस बारे में? जी, मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, बन चुका है। तो देखा जाए कि आने वाले वक्त में इंडिया जो है पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे जो होगा तरक्की में होगा। तो यही बात है कि माशरती हालात पाकिस्तान के, जैसा आपको पता है कि माशरती हालात कैसे हैं पाकिस्तान के, तो इस वजह से बिल गेट्स जो है वहाँ पर गए वहाँ पर। यही कंट्रीज, मतलब इंडिया ही क्यों सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में है? बिल गेट्स और इंडिया के अमीर तरीन लोगों में काउंट होते हैं, तो इन लोगों के लिए सिर्फ इंडिया ही कंट्री क्यों प्रायोरिटी लिस्ट में है? पाकिस्तान जैसे कंट्रीज क्यों नहीं है इनकी प्रायोरिटी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन्होंने पिछले देख लें जब से ये आज़ाद हुए हैं 1947 से बाद अभी तक देख लें कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की करेंसी इनसे ऊपर थी लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी करेंसी हमसे आगे है, अभी वो थर्ड इकोनॉमी पे पहुँच। हाँ जी, ऐसी तरह ही है। तो और जैसे कि आपको पता ही, रिसेंटली पिछले साल वो चांद पर भी गए हैं, और आगे उनके और मंसूबे हैं। मैं कल चांद की बात करें, चंद्रयान के बाद वो एक और सैटेलाइट करने वाले हैं अनाउंस, गगनयान। गगनयान तो वो तो बहुत आगे है। जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ना UAE के वीज़े भी बंद हो गए हैं। तो मैं देख रहा था कि इंडिया के जो वीज़े हैं ना वो लग रहे हैं, दुबई के वीज़े लग रहे हैं, और पाकिस्तानी वीज़े भी बैन हो गए हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी को अलाउ नहीं, जाने नहीं दिया जा रहा, दाखिला बंद कर दिया गया है। तो इंडिया जो है वहाँ पर, मतलब कि हर कंट्री में इंडिया के लोग जो हैं वो जा रहे हैं। पर एक चीज़ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ की, वहाँ पर करप्शन बहुत कम हो रही है। आपने देखा होगा गुरबत अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा है वहाँ की, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कैसे मुराद के वहाँ के लोग जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक रिसेंटली मूवी देखी है, वो जो 12th फेल, हाँ जी, ASI की, वो देखा होगा आप कितनी स्ट्रगल करती है उसने, करी है उसने, और अपने वो लोगों के लिए की है, अपने गांव के लोगों के लिए की है। यहाँ से लोग पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि जो गाँव में रहते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, आगे बढ़े हैं। हम मुल्तान गए रिसेंटली पीछे, तो देखा कि लारा एक कौन सा गाँव था वो, मुजफ्फरगढ़ में। तो वहाँ के लोग मैंने देखा कि वो पैशनेट, मतलब कि गांव के लोग बहुत पैशनेट है, यहाँ पर हुनर बहुत ज़्यादा है, तो आगे नहीं लेकर आते पाकिस्तान में, ये जो है ना टैलेंट को आगे नहीं लेकर जाते। सर, आपको क्या लगता है क्यों इंडिया ही प्रायोरिटी लिस्ट है ऐसे लोगों की नज़र में? मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि वहाँ पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स निज़ाम बड़ा बेहतर हो गया पहले से, जिसकी वजह से वो तरक्की करता ही चला जा रहा है। क्योंकि बेसिक हम तीनों पॉलिटिकल BS पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम रिसर्च भी कर रहे हैं, वैसे भी हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिक्स निज़ाम है वो बहुत घटिया, कह लें घटिया ही है हमारी नज़र में। क्योंकि जब भी किसी माशरे में या किसी स्टेट में
पॉलिटिक्स की वजह से ही लोग आगे जाते हैं, क्योंकि हम खुद तो किसी से बात कर नहीं सकते, हम अपने सियासतदानों के जरिए ही बात करेंगे, लेकिन जब वो ही आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन जैसे हमने पिछले दिनों में देखा, जब खान साहब थे वो जब अमेरिका में गए ट्रंप से मिलने, वो आगे से मिले नहीं, क्या कि हमारे लोगों को इज्जत ही नहीं दी जाती, क्योंकि हम सर अगर आप याद करें हमारे लोगों को इज्जत नहीं दी जाती, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमें इज्जत दी जाए, हम दूसरे मुल्कों में जब जाते हैं हम क्या अपना आप वहाँ पर शो करवाते हैं, तो हमें किस चीज़ के लिहाज, किस फैक्टर पे हमें इज्जत दी जाए? ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो पॉलिटिक्स निज़ाम है ना, सबसे पहले उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, अगर वो बेहतर है तो जैसे सियासतदान लोगों के, क्योंकि हमारा जो है वह जमहूरी निज़ाम, तो जमहूरी निज़ाम भी यही है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए, तो हर जो है ना यानी कि शोबे से एक इंसान को आगे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया नहीं जाता। सर बिल गेट्स ने कहा है कि वहाँ की जो हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ही आला मेडिसिन वैक्सीन तैयार करते हैं। आप लोगों को पता है जो ज़्यादा वैक्सीन है, ज़्यादातर वैक्सीन है वो इंडिया में ही बनती हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहेंगे कि देखें आप बहुत ही कम प्राइस में, जैसे कि आपने पहले बात किया है कि वो इसलिए कि वहाँ के लोगों की गुर्बत ज़्यादा है, और ज़्यादा जितने भी ये स्विट्ज़रलैंड की जो है, और ये आईफोन का भी अभी देख मैंने पढ़ा था न्यूज़ के, वो सोच रहे हैं कि वहाँ पे ही इंडिया में एप्पल स्टोर, इंडिया स्टोर में ये बना भी है एक, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कंपनी वहाँ पर खोले, क्योंकि वो चाइना से भी कम दाम में वो वहाँ पर फ़ोन एक मैन्युफैक्चर हो रहा है। हाँ जी, वो इसलिए कि वहाँ पर उनकी क्या कहते हैं उनको कि प्राइस बहुत कम है जो बनाने की चीज़ें के, लेकिन कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ की आबादी, प्राइजेस पे भी आला मयार की चीज़ें तैयार की जाती हैं वहाँ पर। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से तो बेहतर है ही है, आगे वो मज़ीद तरक्की कर रहा है। देखा जाए तो मोबाइल जो है, मोबाइल की कीमत भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर टैक्स ही नहीं मान, हम आईफोन ले लेते हैं नॉन पीटीए, तो उनका टैक्स नहीं पे कर पाते, इसलिए हम नॉन पीटीए ही यूज़ कर जाते हैं। सर आपको क्या लगता है? मैं तो सारे हाल हवाल से ये बात करूँगा कि जैसे कि हमें कुछ नया करने की ज़रूरत है, इंडिया जब वो मतलब कि उनका आता है 15 अगस्त, तो वो कुछ नया करते हैं, जैसे कि पिछली मरतबा वो चांद पे गए, अब हम कुछ करते नहीं, हम सिर्फ हर साल कोई ना कोई बड़ा बाजा जब वो यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से शोर की आलूदगी भी पैदा होती है, तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है कि लोग हमें जाने पहचाने कि हम वाकई पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? मलिक जुनैद। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जो कि रिसेंटली इंडिया विज़िट करने गए हैं, वहाँ पर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए हुए हैं, तो सर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे अमीर तरीन लोगों की नज़र में इंडिया ही क्यों प्रायोरिटी लिस्ट पे है इस टाइम? असल में हमारे और इंडिया में फ़र्क यह है कि एक तो वो काफ़ी हद तक IT में उन्होंने बहुत बूस्ट लिया है, उस रफ्तार से हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो इतना बूस्ट नहीं ले सकी, क्योंकि असल जो हमारा जो पाकिस्तानियों का मसला है वो है दीन और दुनिया, ना हम दुनिया के बन रहे हैं ना हम दीन के बन रहे हैं। सही। अब दुनिया वाले वो भी हमें मार रहे हैं और दीन में वो भी हमें मार रहे हैं। अब इंडिया में आप देखें कि कलकत्ता उनका IT हब हो गया पूरी दुनिया में, उनके जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके IT के जो रिलेटेड जितने भी आपके वो सेक्टर्स हैं उनमें उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में है। इवन के मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि ICC का जो हेड है वो इंडियन है, और पाकिस्तानी क्यों नहीं है? और दूसरी बात है, पाकिस्तान में जो दीनी जमातें हैं अगर वो अपना काम ठीक से करें और जो तालीमी इदारे हैं वो अपना काम ठीक से करें तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान किसी भी सेक्टर में कर सकता है, ख्वाह वो IT हो, कमर्शलिज़म हो, कोई चीज़ हो। तो पाकिस्तानियों को अभी तालीम में भी बहुत पीछे हैं, इंडिया तालीम में ज़्यादा है, यहाँ पे हमें बुनियादी तालीम ही नहीं मिलती, उस तालीम की कमी की वजह से हम और अच्छे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सर बिल गेट्स ने वहाँ पर हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तारीफ़ की है कि वो लोग कम कीमत में बहुत ही आला मयार की मेडिसिन और वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। कोई भी दुनिया में बीमारी फैलती है तो हर मोस्टली बीमारियों की वैक्सीन इंडिया से निकलती हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही बात है ना, एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान उसके मुकाबले में उसकी पॉपुलेशन भी कम है और मुल्क भी छोटा है, यहाँ पे ज़राए कम है, और दूसरी बात है कि उन्होंने इन मामलों को प्रायोरिटी लिस्ट में रख के तरक्की की है, हमने उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा और हमने तरक्की नहीं की। हमें भी चाहिए था, हमारे पास भी ऐसे ब्रेन थे, मगर वो ब्रेन
या तो मिसयूज़ हो गए, वो यहाँ इस कंट्री से ही चले गए, वो किसी दूसरी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के काम ही नहीं कर रहे। तो सर हम एक पिक्चर है जो कि बहुत ही वायरल हुई है, जिसमें बिल गेट्स एक चाय वाले के पास गए हैं, उन्होंने चाय पी है। तो सर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया कितना पीसफुल कंट्री है कि बिल गेट्स जैसे इंसान एक चाय वाले के पास गए, चाय पी के वापस आ गए, लेकिन वहाँ पे कोई क्राउड नहीं क्रिएट हुआ, कोई तमाशा नहीं लगा, कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। आपने अच्छा सवाल किया, अभी सवाल का जवाब देख लें कि यहाँ पे अभी आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं ना, अभी थोड़ा सा ये बारिश का सीन है, वरना यहाँ पे 200 लोग इकट्ठे हो जाएं कि ये क्या हो रहा है। हमें अपने काम से काम ही नहीं है, हम दूसरों के काम को पहले देखते हैं। वहाँ पे एक और देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैसी लहर है, और उस दहशतगर्दी की ही वजह की से जो बाहर की दुनिया है वो नहीं आ रही, वो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही, उनको यहाँ से ये ख़तरा है कि एक दूसरी बात है, यहाँ पर जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से भी ऐसे मामला हैं। हालांकि अरब लीग हमारी बड़ी मदद करती है, इस बार अरब लीग ने भी वैसी मदद नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। हालांकि अगर हमारा जो दाखला सेक्टर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री और एक्सटीरियर मिनिस्ट्री है, ये भी इस बात को लेके आगे चलें तो पाकिस्तान में भी बाहर के लोग आ सकते हैं, बिल गेट्स छोड़ के मार्क जरबर्ग भी आ सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, असल में टैलेंट हंट नहीं हो रहा, लोगों को वैसे मौके नहीं मिल रहे। पढ़ाई बहुत महंगी है, लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। अगर यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट हों, अच्छे टीचर्स मिलें, और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। सही हो गया सर, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? हसीब अली। अतीब राय। मोहम्मद वकास। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं मार्क जरबर्ग और बिल गेट्स की, जो रिसेंटली इंडिया विजिट करने गए हैं। सर आपको क्या लगता है, क्यों इंडिया ही ऐसे अमीर तरीन लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट पे है इस टाइम? जाहिर सी बात है, आपको पता है उनके तो मून लैंडिंग भी उनके पास चली गई अब तो, और ऊपर से वैसे भी उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और काफ़ी कुछ है वहाँ पर, और मार्क जरबर्ग तो वैसे ही परेशान फिर है, क्योंकि उनकी तो फेसबुक की वजह से आपको पता है जो चल रही है, उन पर केस हो रहे हैं, और बाकी बिल गेट्स वगैरह ज़्यादा, क्योंकि वो वहाँ के लोग मेरे ख्याल में मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अपने काम को तवज्जो से करते हैं और अपने पाकिस्तान। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आपने वो पिक्चर देखी है जिसमें बिल गेट्स एक चाय वाले के पास गए हैं और वो पिक्चर बहुत वायरल हो रही है? हाँ वो जाहिर सी बात है, वो असल में इन्फ्लुएंसर बन गया ना, वो उनको लोगों ने मशहूर किया है, जो इंडिया के लोग हैं, सिर्फ उसका स्टाइल जो है चाय बनाने का। इसलिए सर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया कितना पीसफुल कंट्री है कि बिल गेट्स जैसे इंसान एक चाय वाले के पास जाके चाय भी पी आए हैं, और ये बात किसी को नहीं पता, कोई क्राउड नहीं, कोई रोला नहीं, कोई किसी किस्म का इशू ही नहीं वहाँ पे क्रिएट हुआ। हालांकि देखें आप, उनने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे अपलोड किया है, वैसे भी उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो अपनी खाने पीने की बड़ी होती है, महंगाई जितनी बड़ी है उधर, कोई मसला ही नहीं है उनका, सही पॉलिटिशियन है, सब कुछ ठीक है। इसलिए सर आप मुझे ये बताएं कि बिल गेट्स ने हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तारीफ की है कि हिंदुस्तान में बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ही आला मयार की वैक्सीन तैयार की जाती हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात देखें, उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा ऊपर है, उनको तो कोई इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमारे तो वैसे भी डोनेशन होती है वैक्सीन, बिल गेट्स वगैरह यही करते हैं मेरे ख्याल से, जितनी भी कोरोना की हुई है अब तक यही है बस। सर पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे भी कंट्री में आए, यहाँ भी विजिट करें? सबसे पहली बात है करप्शन ही है, अगर करप्शन ख़त्म करेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कोई भी नहीं आता। अब बाहर के मुल्क यही है, आप USA वगैरह देख लें, उनमें उनके लोग करप्ट नहीं है, जो मर्जी हो जाए, जितनी भी छोटी मोटी जॉब है, पुलिस वाला भी हो गया, अपनी जॉब ईमानदारी से कर रहे होते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ तो उनका पेट ही नहीं भरता, वो तो खाते रहते हैं इसी वजह से। सर आपका नाम? मोहित जमील। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स जो कि इंडिया विजिट पे गए हैं, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी विजिट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो वहाँ पर बिल गेट्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे लोग इंडिया विजिट कर रहे हैं, इंडिया को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ला रहे हैं? देखें, जो इंडिया के लोग हैं और वो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को प्रायोरिटी रखती है, और जब अपने लोगों को प्रायोरिटी रखती है तो जो दुनिया के सरमायादार हैं वो इंडिया को प्रायोरिटी भी रखते हैं। अब जो पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर एक बार उतर जाए तो फिर वो घूमने दोबारा आएगा पाकिस्तान। सर बिल गेट्स का वहाँ पर कहना है कि वो मतलब जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बहुत ही लो प्राइसेस पर बहुत ही आला मयार की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी पर बहुत वर्क किया है, और उन्होंने अपना गवर्नेंस सिस्टम काफ़ी देर से ठीक किया हुआ है, उनकी
जो गवर्नमेंट है उसमें स्टेबिलिटी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आज आप देख लें कि कोई भी अगर हुकूमत में आता है तो इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, उसे हुकूमत नहीं करने दी जाती। तो हम तो ये तवक्को नहीं रख सकते ना कि हमारे मुल्क में कोई आए। सही। और सर अगर हमारे मुल्क में अगर आता भी है कोई, लास्ट टाइम हमने देखा था कराची में एक फॉरनर आया था, तो उसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया था, उसको लूट लिया गया था और इस तरह की चीज़ें? ये हमारे अवाम पे भी सवालिया निशान आता है कि हम एज अ कलेक्टिवली अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हुकूमत तो कोई रोल प्ले नहीं कर रही, लेकिन हम आवाम भी हाथ पे हाथ धरके बैठे हुए हैं, हम भी अपनी तरफ से पाकिस्तान का कोई अच्छा इमेज नहीं लेके जा रहे। अब जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन्हें और जो पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है, अफसोस का मुकाम ये है कि नौजवान नस्ल भी आजकल गुमराही का शिकार है, उसे नहीं पता कि हमने किस तरफ जाना है, क्या हमारा आइडियल होना चाहिए, क्या हमारा मोटो होना चाहिए। तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है पाक्स्तान में, तो कोई एक मैं एक क्लियर वे नहीं बता सकता कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है और पाकिस्तान के अंदर ये वाक़ात क्यों हो रहे हैं। हेलो व्यूवर्स, हमने बात की है मुख्तलिफ पाकिस्तानियों से, तो ज़्यादातर लोगों की ये राय है जो मोस्टली हमें सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान में जब तक एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो कैसे ये लोग, ऐसे लोग मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स जैसे लोग पाकिस्तान में विज़िट करेंगे, क्यों वो विज़िट करेंगे? इंडिया की डेवलपमेंट की वजह से, इंडिया एक फिफ्थ इकोनॉमी है और थर्ड इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है, इसलिए ऐसे लोग इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।